बच्चों जैसे ये देख रहे हो मैं एक कमरे में हूँ, यहाँ पर क्या क्या दिखाई दे रहा है, खिड़की है, दरवाजे हैं, चौक भी है, ब्लैक बोर्ड भी है, और कुछ भी दिखाई दे रहा है क्या? अरे ये देखो मच्छर भी है, और फिर उस दीवार में देखो छिपकली भी है, और फिर ये मक्खियाँ भी हैं, और इसके अलावा मैं खुद हूँ यहाँ पर, और क्या क्या हो सकता है? कुछ ऐसे भी हैं जो हमें दिखाई नहीं भी दे रहे हैं, बिल्कुल ठीक, जैसे कि सूक्ष्म जीव, ऐसे कोई जीवाणु विषाणु हो सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर जो भी हम देख रहे हैं तो हम उसको दो कैटेगरी में, दो भागों में बांट सकते हैं। तो जैसे मैं अब ये बात करें खिड़की दरवाज़ों की या टेबल चेयर की बात करें, तो ये क्या होते हैं? नॉन लिविंग होते हैं, यानी निर्जीव पदार्थ होते हैं। यदि हम मक्खी मच्छर छिपकली है या हम खुद की बात करें या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें, तो ये क्या है? सजीव हैं। तो एक सजीव जो है वो निर्जीव से अलग कैसे है? तो आपके पास बिल्कुल इसका जवाब होगा। आप क्या कहेंगे कि निर्जीव अवस्था में वहीं पर रहती हैं, उनमें गति नहीं होती है, वो बढ़ते नहीं हैं, वो एक स्थान से दूसरे स्थान जा नहीं सकते हैं। लेकिन हम जो सजीव हैं तो हम क्या करते हैं, हम बढ़ते भी हैं, हम एक स्थान से दूसरे स्थान जा भी सकते हैं, और फिर हमारे अंदर में एक और प्रक्रिया होती है श्वसन की, जिसको आप जानते हो सांस लेते हैं, हमारे अंदर ग्रोथ भी होती, बढ़ते हैं, और भी बहुत सारी जैविक प्रक्रियाएं होती रहती हैं। तो हम निश्चित रूप से दो चीज़ों में अंतर कर पाते हैं कि सजीव वस्तुएं जो है निर्जीव वस्तुओं से किस मायने में अलग हैं। अब हम सजीवों की बात करें, क्यों सजीव वस्तुएं जो हैं वो इनमें इतनी सारी गतिविधियां होती हैं या ऐसी बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, उसका रीज़न क्या है? तो सजीवों की यदि बात करते हैं, बेसिकली बात करें तो सजीव जो है उसका जो मुख्य इकाई है, जो उसका शरीर बना होता है, वो कोशिका से बना होता है। तो कोशिका जो है वो हर एक जीव की एक मुख्य इकाई है, बुनियादी इकाई है। तो हम जैसे कई सारे ऐसे एक कोशिकीय जीवों को जानते हैं, आप उनका नाम भी बता सकते हैं, जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, युगलीना है, ये एक कोशिकीय जीव हैं। या फिर ऐसे आपने बहुत बड़े बड़े जीव भी देखे हैं, छोटे से लेकर चींटी से लेकर हाथी, ब्लू व्हेल तक के बड़े जीव हैं। तो चाहे वो एक कोशिकीय जीव हों चाहे वो बहुकोशिकीय जीव हों, तो सबका शरीर जो है वो कोशिका से ही बना होता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि हम किसकी बात करने जा रहे हैं। तो आज हम जो हैं जीवन की मौलिक इकाई कोशिका जो है, इस अध्याय पर हम कोशिका के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले कोशिका को जो इसका जो खोज की यदि हम बात करते हैं, इस इतिहास की बात करते हैं, तो रॉबर्ट हुक जो है, जिसका नाम आप पहले भी अपने पिछली कक्षाओं में भी इसको सुना होगा, पढ़ा होगा, कि रॉबर्ट हुक ने जो है सबसे पहले कोशिका की खोज की, और उन्होंने किस पे की थी? कॉर्क सेल है, कॉर्क सेल पे उन्होंने अपने ही बनाए गए माइक्रोस्कोप जो था उस पर उन्होंने वो अध्ययन किया था कॉर्क सेल का, और वो बिल्कुल जो मधुमक्खी के छत्ते होते हैं उसके समान ही दिखाई देता है। तो अब उन्होंने, क्योंकि एक वो सेल यानी एक कोठरी के समान दिखाई दे रहा था, इसलिए उन्होंने इसका नाम सेल रखा, और हिंदी में हम इसको कोशिका कहते हैं। तो आज हम कोशिका को बहुत सारी गतिविधियों के द्वारा जानेंगे और उसकी संरचना के बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो रॉबर्ट हुक ने कॉर्क सेल में कोशिका का अध्ययन किया था, ठीक वैसे ही आज हम एक गतिविधि के द्वारा वैसे ही कोशिकाओं का अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम एक गतिविधि के द्वारा इसको समझते हैं। बच्चों, रॉबर्ट हुक ने कोशिकाओं के बारे में बताया कि कोशिकाएं मधुमक्खी के छाते के समान दिखती हैं। तो इसे देखने के लिए हमारे पास एक माचिस की का बॉक्स है। इस माचिस की बॉक्स की तीलियों को देखने से पहले हम पानी में एक घंटे के लिए इसको डुबाकर रखना है। हम कुछ माचिस की तीलियों को पानी में भिगोकर रखेंगे कम से कम एक घंटे के लिए। बच्चों, हमने यहाँ पे माचिस की तीलियों को पहले से एक घंटे से भिगाकर रखा हुआ है। अब इन माचिस की तीलियों की जो कॉर्क है उसका बहुत बारीक सेक्शन कटिंग करेंगे।
सेक्शन कटिंग आप सबको आता है कैसे करना है। हम इस माचिस की तीली को स्लाइड में बराबर रखकर तेज धारदार ब्लेड की सहायता से बहुत बारीक सेक्शन काटेंगे। क्योंकि हमको बारीक सेक्शन का सिलेक्शन करना होगा तो हम 8-10 स्लाइड्स काट लेंगे ताकि हम उसमें से सबसे बारीक को सेलेक्ट करके माइक्रोस्कोप में लगा के देखें। बच्चों हमने जो बहुत ज्यादा बारीक सेक्शन कटिंग किया है इसमें से जो सबसे ज्यादा बारीक होगा उसका उसको आप सेलेक्ट करेंगे और थोड़ा सा इसमें पानी लगा लेंगे ताकि ये सूखे ना। जैसा मैंने यहाँ पे एक ले लिया है स्लाइड की कटिंग और उसे हम कवर स्लिप से प्रेस करेंगे। ये कवर स्लिप ऐसे लगाएं ताकि इसमें एयर बबल ना आए और बहुत स्मूथली इसे प्रेस करेंगे। और स्लाइड के चारों ओर जितना भी एक्स्ट्रा है सारा कुछ साफ कर देंगे। अब जो हमारा ये स्लाइड है इस स्लाइड को हम माइक्रोस्कोप में सेट करके देखते हैं कि ये दिखता क्या है और कैसे दिखता है। बच्चों जैसा भी हमको दिख रहा है यहाँ पर जैसा रॉबर्ट हुक ने बताया था सेम वैसा ही कोशिकाएं छोटे छोटे कोष्ठक नुमा संरचना में हैं जो बिल्कुल मधुमक्खी के छाते के समान दिखती हैं। तो बच्चों अभी आपने जैसे माचिस की कोशिका का माइक्रोस्कोप में अध्ययन किया, देखा कि कोशिकाएं कैसे गोल गोल हेक्सागोनल शेप में दिखाई देती हैं। तो चलिए अब हम एक और गतिविधि के द्वारा रियो की पत्ती में कैसे कोशिकाएं दिखाई देती हैं उसको देखते हैं। हेलो बच्चों, हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि एक कोशिकीय जीव जो होते हैं वो केवल एक कोशिका के बने होते और बहु कोशिकीय जीव जो होते हैं वो बहुत सारी कोशिकाओं के। हम अपने आसपास बहुत सारी चीजें देखते हैं जिनमें कोशिकाएं होती है, जैसे जीव जंतु हैं, जानवर हैं, कुछ मनुष्य के अंदर भी हमारे अंदर भी बहुत सी कोशिकाएं हैं, कुछ पेड़ पौधे हैं। जैसे मेरे हाथ में एक रियो की पत्ती है, इसके अंदर भी कोशिकाएं उपस्थित है। हम ये भी जानते हैं कि 1665 में रॉबर्ट हुक ने जब एक कॉर्क की पतली सी परत के अंदर जब माइक्रोस्कोप में देखा तो उन्होंने बहुत सारी कोशिकाओं को देखा था। इसको उन्होंने सेल नाम दिया। हम आज जिन कोशिकाओं का अवलोकन करेंगे उसके लिए हमने ये ली है एक रियो की पत्ती। हम इस रियो की पत्ती को पहचान इस तरह कर सकते हैं कि देखिए इसके एक तरफ हमें हरे रंग का भाग दिखाई दे रहा है और दूसरी तरफ हमें जामनी रंग। आप इसे आसानी से अपने आसपास देख सकते हैं और इसकी पत्ती को लेकर हम इस तरह इसे पानी में रखते हैं। पानी में रखने की वजह यह है कि अगर हम इसे सूखा रख दें तो इसके अंदर की कोशिकाएं मर सकती हैं। हमें जीवित कोशिकाओं को देखना है इसलिए हम इसे पानी में रखते हैं ताकि वे मरे ना। स्लाइड बनाने के लिए हमें जिन चीजों की आवश्यकता होती है वो यहाँ पर रखी गई है। आप देखिए हमने एक कांच की स्लाइड ली है इस तरह। ये हमारे पास भी होता है ड्रॉपर, इससे हम पानी की बूंदे डालेंगे, इसे हम एक निडल कहते हैं। और इस स्लाइड पर जब हम इसका काट लेंगे तो वो सूखे ना, इसके लिए हम इसको इस कवर स्लिप की सहायता से ढक देते हैं। चलिए हम पहले स्लाइड बनाते हैं और हमें देखने के लिए देखिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज है वो है ये सूक्ष्मदर्शी, क्योंकि हमें इसमें तो इस तरह कोशिकाएं दिखाई नहीं देंगी। चलिए हम पहले स्लाइड बनाते हैं। इसके लिए हम इस पत्ती को इस तरह पकड़ें और तोड़ें ताकि इसका हमें पीछे से एक पतली सी परत मिले जिससे कि हमें कोशिकाएं आसानी से दिखाई दे। इस तरह तोड़ने से देखिए पीछे की ओर आपको एक पतली सी परत दिखाई दे रही है। इस परत को हम इस ब्लेड की सहायता से कट कर लेते हैं। आप स्लाइड पर एक बूंद पानी ले लें इस तरह और इस पत्ती को फिर से तोड़कर इसकी पतली सी परत निकाल लें
और उसे आप ब्लेड से काटकर इस स्लाइड पर ले लें, कुछ इस तरह। इस पत्ती को लेने के बाद फिर से आप एक बूंद इस पर पानी डालें, निडल की सहायता से आप इस कवर स्लिप को इस स्लाइड पर रख दें। इतना बनाने के बाद आप इसे सूक्ष्मदर्शी में इस तरह फोकस करते हैं और सूक्ष्मदर्शी के निम्न आवर्धन में आप इसे देखेंगे। इस तरह हमने इसे फोकस की और इससे एडजस्ट करके हम इस कोशिका का अवलोकन कर सकते हैं। इस स्लाइड का अवलोकन हम कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि इसमें हमें दो प्रकार की कोशिकाएं दिखाई दे रही हैं। एक कोशिका जो एपिडर्मल सेल होती है, जो और दूसरी होती है वो होती है जिसमें कि हमें स्टोमेटास दिखाई दे रहे हैं। हमें स्टोमेटास में भी यहाँ थोड़ा सा इस तरह का फर्क दिखाई देगा कि कुछ स्टोमेटास जो होते हैं वो आपको खुले हुए दिखाई देंगे और कुछ स्टोमेटास जो है वो बंद हो सकते हैं। और इन कोशिकाओं का अवलोकन जब आप कर रहे हैं तो आपको इसे फोकस इस तरह करना है कि आपकी जो नजर है वो केवल एक कोशिका पे हो जिसमें कि आप आसानी से स्टोमेटा पर अपना नजर फोकस कर सके। तो अभी सबसे पहले हमने माचिस की तीली का अध्ययन किया। माचिस की तीली में जो हमने देखा था वो नॉन लिविंग था, मतलब वो डेड हो चुकी थी वो कोशिकाएं। फिर हमने रियो की पत्ती को देखा जो सजीव कोशिकाओं, सजीव में कैसे वो कोशिकाएं दिखाई देती हैं, उसमें स्टोमेटा दिखाई देता है, उसको हमने देखा। तो अब हम, अभी हमने प्लांट सेल को देखा, अब हम ह्यूमन सेल में यानी प्राणी कोशिका में कोशिका का संरचना क्या होती है उसको देखेंगे। तो हम गाल की कोशिकाएं, हमारे खुद की गाल की कोशिकाएं किस तरह किससे दिखाई देती हैं तो उसको भी हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं। क्रियाकलाप तीन, गाल की कोशिकाओं का अवलोकन। यह क्रियाकलाप शिक्षक की उपस्थिति में ही करें। गाल के अंदर की सतह को आइसक्रीम के चम्मच से खुरच कर स्लाइड पर फैलाएं। ध्यान रहे कि गाल को कठोरता से न खुरचें। स्लाइड पर पानी की एक बूंद डालें। इसके बाद दो बूंद लाल स्याही या आलता या सेफ्रेनिन के तनु घोल की डालें और कवर स्लिप लगाएं। फिर सूक्ष्मदर्शी के निम्न आवर्धन से चित्र देखें एवं बनाएं। गाल की कोशिकाओं एवं पत्ती की कोशिकाओं में क्या क्या समानताएं हैं? गाल की कोशिकाओं एवं पत्ती की कोशिकाओं में कोई एक भिन्नता लिखें। कोशिकाएं देखने के लिए हमें अक्सर सूक्ष्मदर्शी की मदद लेनी पड़ती है, मगर नींबू, संतरा जैसे फलों में रस भरा एक छोटा भाग, मछली और मुर्गी के अनिषेचित अंडे इत्यादि कोशिकाएं हैं जिन्हें हम बिना सूक्ष्मदर्शी से भी देख सकते हैं। यहाँ तरह तरह की कोशिकाओं को चित्रानुसार दर्शाया गया है। इन कोशिकाओं में आपको किस किस प्रकार के अंतर दिखाई दिए? यह आश्चर्य की बात है कि इतने अंतर के बावजूद चाहे एक कोशिकीय जीव हो या बहु कोशिकीय, इनमें सारी मूल जैविक क्रियाएं, पोषण, श्वसन, प्रजनन, उत्सर्जन आदि कोशिका में चलती रहती है। बहु कोशिकीय जीवों में अलग अलग कोशिकाएं या कोशिकाओं के समूह आपसी समन्वय से जैविक क्रियाओं को संपन्न करते हैं। तो बच्चों, आपने कई सारी क्रियाकलापें देखी, जैसे कि माचिस की तीली का सेक्शन बनाया, रियो की पत्ती और गाल की जो कोशिकाएं हैं उसका सूक्ष्मदर्शी में अध्ययन किया। तो ये कई सारी गतिविधियों के द्वारा हमने जो है कोशिका को देखने का प्रयास किया। अब कोशिका जो है क्या केवल माइक्रोस्कोप के जरिए ही देखी जा सकती है? अभी तो हमने जिनको भी देखा वो सब माइक्रोस्कोप के माध्यम से ही देखा गया, लेकिन कुछ ऐसे भी कोशिकाएं हैं जिनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत नहीं है। ऐसे कौन से उदाहरण हो सकते हैं? तो जैसे आप संतरा खाते हैं, नींबू, नींबू का रस पीते हैं, नींबू लेते हैं, उसके अचार भी खाते हैं, या फिर मौसम्बी भी आप जानते हैं, ये
जो हैं सब साइट्रस फ्रूट अंतर्गत आते हैं और आपको अच्छे से पता है कि इसमें विटामिन सी जो है भरपूर होता है और हमारे डाइट में यानी भोजन में विटामिन सी का होना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसमें जो है हम बिना माइक्रोस्कोप के जो है कोशिका को देख सकते हैं। आप जो इसमें देख रहे हो कि ये रस भरे जो रेशे हैं, आप जो इसमें रेशे देख रहे हो ना, तो वो रेशे जैसे मौसम्बी में संतरे में ये बड़े बड़े आपको दिखाई दे सकते हैं। तो जो वो एक रेशा है वो एक कोशिका है। ऐसे ही मछली हो या मुर्गी हो, उसका जो अंडा है लेकिन वो अनिषेचित होना चाहिए, तो वो भी क्या है, एक कोशिका है। तो इस तरीके से हम बिना माइक्रोस्कोप के भी कोशिकाओं को देख सकते हैं। अब चलिए हम देखते हैं कि कोशिकाएं जो हैं, हमारे दिमाग में आता है कि वो गोल होगी या ओवल शेप होगी, लेकिन जो ये कोशिकाएं हैं उनका अलग अलग आकार आकृति होती है। तो चलिए कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे आप ये पहला देख रहे हैं न्यूरॉन है यानी तंत्रिका कोशिका। आप ये देख रहे हो कि जस्ट लगभग एक जो पेड़ होता है वैसे ही दिखाई दे रहा है। ऊपर आपको इसकी शाखाएं दिखाई दे रही हैं, नीचे आपको उससे लगा हुआ एक स्टेम यानी स्तंभ दिखाई दे रहा है और नीचे आप देख रहे हो उससे निकली हुई कुछ रूट्स यानी जड़ें हैं। तो इस तरीके से न्यूरॉन कैसे दिखाई दे रहा है, एक पेड़ के समान दिखाई दे रहा है। अब यदि हम जाइलम को देखें तो ये कैसे दिखता है, ये पाया कहाँ जाएगा, प्लांट सेल में पाया जाएगा। और जाइलम जो है इलॉन्गेटेड, लंबी लंबी नलियां समान, ये पाइप समान जो है इसकी ये संरचना दिखाई दे रही है। अब यदि हम अनस्ट्राइप्ड यानी अरेखित पेशी को देखें तो आप ये जैसे देख रहे हो स्पिंडल शेप की दिखाई दे रही है। ब्लड की आरबीसी को देखें यानी लाल रक्त कोशिका को देखें तो वो जो है वो ओवल शेप रहती है। और ऐसे ही WBC को देखें यानी वाइट ब्लड सेल्स को देखें तो वो अमीबॉइड शेप की आपको दिख रही हैं। अमीबा आप जानते हो जो अनियमित आकार का होता है, तो WBC भी कैसे होगी, अनियमित आकार की होगी। तो इस तरीके से और जर्म सेल्स होती हैं यानी जनन कोशिकाएं होती हैं, इसमें भी आप जैसे देख रहे हो स्पर्म है यानी शुक्राणु है। इसमें भी आप देख रहे हो जैसे ऊपर में एक हेड है, नीचे में पतली सी एक उसकी पूंछ यानी टेल है। और ओवम देख रहे हो, अंडाणु देख रहे हो, वो कैसा दिख रहा है, लगभग गोल शेप में दिख रहा है। तो ज़रूरी नहीं है कि कोशिकाएं जो हैं वो ओवल शेप में ही रहें या राउंड गोल में ही रहें, ये अलग अलग आकार की होती हैं। तो चलिए अब हमने इसके आकार की बात की, अब हम थोड़ा सा अपने आसपास के जीवों को देखते हैं। आप कई तरह के चींटी से लेकर बहुत सारे जीव देखते हैं, हाथी घोड़ा जो है, या आपने ब्लू वेल को कभी पिक्चर में देखा होगा, मूवी में देखा होगा, बहुत बड़ी रहती है। शार्क है, ये बहुत बड़ी रहती हैं। तो एक छोटी चींटी से लेकर जो ब्लू वेल की हम बात कर रहे हैं, ये सभी क्या है, जीव हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो इनका जो शरीर है वो किससे बना होगा, इसी कोशिका से बना होता है। अब ये तो हमें दिखाई देने वाले जीव हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो कि हमें दिखाई नहीं देते हैं। वो क्या होंगे, सूक्ष्म जीव होंगे। जैसे अभी हमने अमीबा की बात की, तो अमीबा है, पैरामीशियम है, युगलिना है। तो ये जो जीव हैं वो कैसे हैं, माइक्रोस्कोपिक है यानी सूक्ष्म जीव हैं, लेकिन ये जो हैं एक कोशिका से बने होते हैं। और आपने इसको पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा कि इनको हम क्या कहते हैं, एक कोशिकी जीव कहते हैं। तो जो एक कोशिकीय जीव हो या बहुकोशिकीय जीव, जैसे हमने ब्लू वेल की बात की, हाथी घोड़े की बात की, शार्क की बात की, तो सबका शरीर जो है वो किससे बना हुआ है, कोशिका से बना हुआ है। अब हम ये भी बात जानते हैं कि एक सजीव का लक्षण क्या क्या होता है, चलिए आप ही सोच के बताइए। तो पहला क्या होगा, पोषण होगा यानी भोजन, बिना भोजन के कोई भी जीव जीवित नहीं रह सकता। फिर दूसरा क्या लक्षण हो सकता है, श्वसन, तो बिना सांस लिए यानी जो हम सांस के द्वारा ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन जो अंदर जाती है उसके बिना भी हम जीवित नहीं रह सकते हैं। तीसरी बात क्या देख रहे हैं हम लोग, उत्सर्जन है, यानी कि हमारे शरीर में जो है ऐसे अनुपयोगी पदार्थ बनते हैं जिनका शरीर से बाहर निकलना जो है वो क्या हो जाता है, बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ये भी जो है उत्सर्जन की प्रक्रिया, चाहे वो एक कोशिकीय जीव हो चाहे बहुकोशिकीय जीव हो, सभी में ये होगा। और एक और हम बात करते हैं प्रजनन की,
तो प्रजनन में जो है वो सभी जीवों में एक अनिवार्य कहना चाहिए कि अनिवार्य तो नहीं कह सकते, लेकिन एक स्पीशीज को जीवित रखने के लिए जो है वो प्रजनन की प्रक्रिया होती है। तो ये प्रजनन की प्रक्रिया भी क्या है, एक कोशिकी जीव से लेकर बहुकोशिकी जीव हर एक में होगी। अब ये सब प्रक्रियाएं जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये हम एक कोशिकी जीव में भी बात कर रहे हैं और बहुकोशिकी जीव में भी बात कर रहे हैं। तो ये कहाँ पर हो रही है, तो ये सारी प्रक्रियाएं जैविक प्रक्रियाएं हैं और ये कहाँ होती हैं, एक कोशिका के अंदर में ही होती है। तो आपने एक स्टेटमेंट सुना होगा कि कोशिका जो है किसी भी जीव की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है। अब इसका क्या मतलब है, ये आपको एक तरह से क्वेश्चन के रूप में भी आता है, तो आप इसका एक्सप्लेन कैसे करेंगे। अभी जैसे हमने बात की कि किसी भी जीव का जो शरीर है वो किससे बना हुआ है, कोशिका से बना हुआ। तो यहाँ पर हमने क्या बात की, संरचना की बात की। तो जीव का शरीर कोशिका से बना हुआ है। अब हम बात कर रहे हैं कि कार्यात्मक इकाई है। अब ये कार्यात्मक कैसे है, तो चलिए इसको भी एक उदाहरण से समझते हैं। आपको कभी जो है कुछ बीमारी हो जाती तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, तो वो कभी ज़रूरत पड़ती तो इंजेक्शन लगाते हैं। तो इंजेक्शन जो आपको लगती है तो उसमें आप दर्द महसूस करते हैं। तो वो जो दर्द है वो कहाँ से लेकर कहाँ तक जाता है, माने आपकी जो त्वचा है, त्वचा से मैंने कहना चाहिए वहाँ तंत्रिकाएँ हैं, तंत्रिका कोशिका है, तंत्रिका कोशिका जो है वो उस एहसास को कहाँ ले जाएगी, ब्रेन तक ले जाएगी। और तब हमें ये महसूस होता है कि दर्द हो रहा है, चाहे हम गर्मी ठंडी का एहसास करते हैं, दबाव का हम एहसास करते हैं। तो सब कुछ जो है ये कहाँ से जाता है, त्वचा में जो हर जगह ये तंत्रिका कोशिकाएं फैली हुई हैं, और तंत्रिका कोशिका से ये कहाँ जा रहा है, सेंसेशन ब्रेन तक जा रहा है। तो अब यहाँ पर ये समझिए कि जो भी कार्य हो रहा है वो कहाँ पर हो रहा है, मतलब वो आगे संचालन कैसे हो रहा है, एक तंत्रिका कोशिका महसूस कर रही है और उसी को वो आगे बढ़ा रही है। तो कार्य कहाँ हुआ, कोशिका में ही हुआ। ऐसे यदि हम श्वसन की बात करें तो श्वसन एक बहुत ही जटिल बायो केमिकल रिएक्शंस हैं जो एक कोशिका में ही संपन्न होती है। आप जानते हो कि हमें चलने के लिए, जीवन चलाने के लिए क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। तो ये ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है, श्वसन की प्रक्रिया से ही मिलती है। तो श्वसन की प्रक्रिया भी कहाँ हो रही है, आप जैसे देख रहे हो ये एक कोशिका में ही होगी। तो कहने का मतलब है कि जब हम ये एक स्टेटमेंट सुनते हैं कि कोशिका ही जीव की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है, तो हम ऐसे कुछ उदाहरणों के जरिए जो है इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये सारी प्रक्रियाएं जो हैं वो कोशिका में हो रही हैं और वो हर एक जीव में होती है। भले ही जो और एडवांस जीव हैं, यानी कहना चाहिए कि जो विकसित जीव हैं, उनमें और भी सारी प्रक्रियाएं हो सकती हैं, लेकिन बेसिक जो प्रक्रियाएं हैं वो सब में ये होंगी ही। तो चलिए अब हम एक कोशिका जो है टिपिकल सेल यानी प्रारूपिक कोशिका की बात करते हैं। एक प्रारूपिक कोशिका कैसे होगी, तो जब वैज्ञानिकों ने इसका अध्ययन किया तो कुछ बुनियादी समानताओं के आधार पर जो है उसका एक मॉडल बनाया। और वो मॉडल जैसे अभी हम देखते हैं कि ये आपको एक एनिमल सेल दिखाई दे रही है और एक प्लांट सेल दिखाई दे रही है, यानी एक पादप कोशिका है और एक जंतु कोशिका है। तो इसमें यदि हम देखें क्या क्या समानताएं आपको दिख रही हैं, तो सबसे पहले आप बात करेंगे कि बीच में आप देख रहे हो केंद्रक है, वो दोनों में ही है। आप देख रहे हो कि कोशिका एक चारों तरफ झिल्ली से घिरी हुई है, उसको क्या कहेंगे हम, कोशिका झिल्ली कहेंगे। अब और भी आप संरचनाओं को देखेंगे तो जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, कोशिका द्रव्य है। तो ये जो जिनकी हम बात कर रहे हैं वो दोनों कोशिकाओं में है। तो अब अंतर कहाँ पर है, कुछ अंतर भी है, दिखाई दे रहा है क्या। तो ध्यान से हम यदि प्लांट सेल को देखते हैं तो प्लांट सेल में आप देख रहे हो
कि जो कोशिका झिल्ली है उसके चारों तरफ एक मोटी परत भी दिखाई दे रही है। ये मोटी परत क्या है? कोशिका भित्ति जिसको कहते हैं, यानी सेल वॉल कहते हैं। आप कुछ देख रहे हो कि एनिमल सेल में ये नहीं है, उसमें केवल एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब दूसरी बात करते हैं कि लवक, लवक यानी प्लास्टिड है, वो केवल आप पादप कोशिका में ही देख रहे हैं, जंतु कोशिका में नहीं है। तो पादप कोशिका की ये एक अनूठी विशेषता है कि उसमें जो है वो लवक पाया जाता है। और ये लवक आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा, हरित लवक के नाम से, क्लोरोप्लास्ट के नाम से। और इसकी उपस्थिति के कारण ही आप समझ पा रहे होंगे कि जो पौधे हैं वो भोजन बनाते हैं, फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, और भी बहुत डिफरेंट पार्ट्स हम लोग पौधे के खाते हैं, हम अपने भोजन के रूप में लाते हैं। तो वो सब जो भी है उसका जो जो बनना है, जो प्रोसेस है, वो कहाँ पर होता है? पत्तियों में होता है, लवक में होता है। ये लवक जो है एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। और एक और अंतर आप देख रहे होंगे कि सेंट्रियोल जो है वो एनिमल सेल में है, प्लांट सेल में नहीं है। एक और अंतर भी हम बात करते हैं, आप रिक्तिका को देख रहे होंगे, तो पादप कोशिका में रिक्तिका जो है आप देख रहे हो बड़ी साइज की है, बड़ी साइज की वैक्यूल है रिक्तिका जिसको बोलते हैं, लेकिन एनिमल सेल में ये क्या है? बहुत छोटी छोटी साइज की रहती है। तो इस तरह से ये एक टिपिकल सेल की बात करते हैं। तो अब ये हमने एक मॉडल कोशिका की बात की है। जरूरी नहीं है कि हर एक कोशिका, अब हम जैसे बात करते हैं हमारा शरीर अरबों खरबों कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, तो क्या हर जगह ये सारे ऑर्गेनेल्स, हम इसको कहते हैं कोशिकांग कहते हैं, तो हर कोशिका में ये क्या सारे कोशिकांग पाए जाएंगे? नहीं, जरूरत के हिसाब से, कार्य के आधार पर, कोशिका का जो कार्य होता है और उसके आधार पर जो है उसमें उसके कोशिकांगों की संख्या होगी और जो है उसकी उपस्थिति होगी। मतलब जरूरी नहीं है कि हर एक कोशिकांग हर एक में पाया जाए, हर कोशिका में पाया जाए। जैसे मैं आरबीसी की बात करती हूँ, रेड ब्लड सेल्स है, तो ये जो लाल रक्त कोशिका है इसमें केंद्रक आपको नहीं दिखाई देगा। हमने औरों में देखा कि केंद्रक होता है, लेकिन इसमें नहीं है। इसमें क्यों नहीं है, आप आगे चल के भी पढ़ेंगे इसको। तो ऐसे ही जो हम एक टिपिकल सेल में जिस संख्या को दर्शाते हैं वो एक मानक रूप होता है। कहने का मतलब कि कोशिका में क्लोरोप्लास्ट जैसे एक दो ही दिखाई दे रहा है, लेकिन इसकी संख्या हर एक शरीर के हिस्से के हिसाब से अलग अलग होगी। तो ऐसे ही जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या की बात करें, या गोल्जी बॉडी की बात करें, या राइबोसोम की बात करें, तो हर जगह जो है इनकी संख्या में क्या हो सकता है? परिवर्तन हो सकता है, इनके कार्य के आधार पर होता है। तो इस तरीके से ये देखा जाए तो उनके कार्य के आधार पर ही उनकी उपस्थिति होती है। क्या आप जानते हैं, महज 200 साल में हमने ऐसे सूक्ष्मदर्शी का निर्माण किया है जिससे हम किसी कोशिका को 10 गुना से लेकर 5 लाख गुना बड़ा करके देख सकते हैं। अभिरंजन तकनीक भी इतनी विकसित हो गई है कि कोशिकाओं की कार्यप्रणाली की विस्तृत जानकारी हमें मिल रही है। कोशिकाओं की संरचना एवं कार्य बहुत जटिल हैं तथा उनकी जानकारी अभी भी अधूरी है और उन पर शोध जारी है।